नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। साथियों, आज हमारा विषय रहेगा मिनरल मिक्सचर। साथियों, मिनरल मिक्सचर अपने पशु को क्यों देना चाहिए और अगर देते हैं तो वो कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर इस विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आओ साथियों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। साथियों, सबसे पहले ये देखना है कि अपने पशु के अंदर जो अभी बीमारी चल रही है लंपी वायरस, इसके अंदर मिनरल मिक्सचर का बहुत बड़ा रोल है। साथियों, जो पशु इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है उसको बराबर मात्रा में मिनरल मिक्सचर देते रहें ताकि उसकी इम्यूनिटी डाउन ना हो, उसकी दूध की जो क्षमता है वो कम ना हो। मेन कारण रहता है दोस्तों, इस बीमारी के अंदर पशु में विटामिन्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिस कारण पशु के शरीर पर अगर कोई घाव हो गया है तो उसको भरने में टाइम लगता है, पशु एकदम से दूध को तोड़ जाता है। इन सभी कंडीशनों को देखते हुए मिनरल मिक्सचर देना अपने पशु में बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर डेयरी फार्मरों के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आई है वो यही है कि जो मिनरल मिक्सचर के अभाव में पशुओं के अंदर नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाए। सबसे पहले साथियों, हम पता लगाते हैं कि पहले क्या होता था। पहले के समय में पशुओं को खुला चराया जाता था जिससे वो अपनी आवश्यकता अनुसार मिनरल्स मिट्टी से ले लेते थे, घास के जरिए ले लेते थे। आज वो बात नहीं रही। एरिया के हिसाब से किसी एरिया में किसी चीज़ की गुणवत्ता अच्छी होती है, किसी एरिया में किसी चीज़ की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। इन सब चीज़ों को देखते हुए मिनरल मिक्सचर देना अपने पशु में बहुत ही ज़रूरी है साथियों। अब बात यह आ जाती है मिनरल मिक्सचर दें, बहुत से वीडियो आए हुए हैं मिनरल मिक्सचर इसलिए देना चाहिए, मिनरल मिक्सचर यूँ देना चाहिए, मिनरल मिक्सचर ऐसे देना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पशुपालकों को, जो कम पढ़े लिखे पशुपालक भाई हैं हमारे, उनको ये नहीं पता कि मिनरल मिक्सचर पशु को देना कैसे चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो बाटा दलिया चूरी खड़ पशु के लिए उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं उसको, उसी के अंदर मिनरल मिक्सचर को डाल देते हैं। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका होता है। मिनरल मिक्सचर को देने के लिए सबसे पहले तरीका होना चाहिए मिनरल मिक्सचर को, जैसे हम अपने पशु को जो सानी हमने बनाई है, जो हमने फल चूरी का जो भी हमने उसके लिए प्रावधान किया है, जब उसको उसकी खुरली के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर से जितनी भी मिनरल मिक्सचर की डोज है, अलग अलग कंपनी के मिनरल मिक्सचर की अलग अलग डोज होती है, उस हिसाब से उसको ऊपर डाल दो। उसके बाद उसको पशु को उस ठाण के ऊपर बांध के उसके आगे वो रख दो, ये तरीका होता है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इसको साथ में उबाल देते हैं। उससे आपने देखा होगा कि जैसे ही पशु ने फिर मिनरल मिक्सचर खाया, उसके बाद गोबर किया, उसमें बारीक बारीक से दाने हमें दिखाई दिए। वो यही कारण था दोस्तों कि हमने उसको पहले पानी के अंदर उबाल दिया, तो जिससे उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। मिनरल मिक्सचर के अंदर भी प्रकार आते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट रहता है, चैलेटेड मिनरल मिक्सचर, मेथोचिलेटेड मिनरल मिक्सचर, बहुत सी कंपनियां लिखती हैं एलिमेंटल फॉर्म में। अब ये एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कि कोई भी चीज़ जब हम अपने पशु को खाने के लिए देते हैं तो उसके रूमन में जाने के बाद उसके ऊपर एक क्रिया होती है, उस क्रिया से उसको एलिमेंटल फॉर्म के अंदर लेके आया जाता है। अब एलिमेंटल फॉर्म का जो मिनरल मिक्सचर हम अपने पशु को दे रहे हैं साथियों, वो पशु के शरीर में जल्दी पचता है, यानी कि अगर देसी भाषा में हम बात करें तो वो पशु के शरीर में जाते ही अपने काम पे लग जाता है जो उसने काम करना है। क्योंकि अगर पशु पहले से स्ट्रेस में है, हमने उसको मिनरल मिक्सचर दे दिया, अब वो जो माइक्रोफ्लोरा वगैरह थे, जो जीवाणु हैं, जो अंदर की बातें हैं दोस्तों, ये सारे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ जाके दिक्कत कहती है पशु और स्ट्रेस में आ जाता है। क्योंकि पहले उसके अंदर इतनी ताकत तो थी नहीं, पहले ही कमजोरी बीमारी नहीं, इस बीमारी के अंदर पशु को तोड़ देती है बीमारी बिल्कुल। तो उस कंडीशन में आप वो मिनरल मिक्सचर दें जो एलिमेंटल फॉर्म में है। हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे वीडियो के माध्यम से, हम बस जितनी हमें नॉलेज है उतनी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो मेन तौर पे अगर बात करें तो हम टीटी के कंपनी का एक मिनरल मिक्सचर आता है न्यूट्रीसेल के नाम से, एलिमेंटल फॉर्म में है दोस्तों, हम उस मिनरल मिक्सचर का सारा ले सकते हैं। हमने भी देखा है फील्ड में, डेयरी फार्मरों को भी दिलवाया है, अच्छे रिजल्ट आए हैं, भैंस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं इस मिनरल मिक्सचर के। और दोस्तों, एक कैरस कंपनी का आता है बोविमीन अल्ट्रा, दोनों मिनरल मिक्सचर बहुत ही अच्छे हैं। हिमालय कंपनी का मिनरल मिक्सचर आ रहा है हिमचिलेटेड के नाम से, बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं दोस्तों। एक इंटास कंपनी का मिनरल मिक्सचर आता है मिन्फा गोल्ड के नाम से, उस मिनरल मिक्सचर के बहुत शानदार रिजल्ट हैं दोस्तों। अब मिनरल मिक्सचर बात करें, हम इस बीमारी को थोड़ा सा साइड में हटा के बात करें, तो मिनरल मिक्सचर उस पशु को तो देना ही चाहिए दोस्तों जो बार बार रिपीट हो रहा है, जहाँ रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है, जहाँ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वहाँ पर अगर हम इस मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करवा रहे हैं इनका, तो बड़े शानदार रिजल्ट आते हैं दोस्तों।
और दूध की गुणवत्ता भी पशु की अच्छी हो जाती है। मिनरल मिक्सचर के अंदर आपने देखा होगा कंपनियां बाईपास फैट ऐड कर देती हैं, दूध की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी हो जाती है दोस्तों मिनरल मिक्सचर देने से, पशु में विकार नहीं आते। अगर बात करें हम मिनरल मिक्सचर से तो रिलेटिव एक और कड़ी जोड़े, तो इसके अंदर आप देखना दोस्तों जो पशु रेगुलर बेस में मिनरल मिक्सचर खाते हैं उनकी गुणवत्ता आमतौर पर बहुत ही अच्छी पाई जाती है, वो पशु कम बीमार होते हैं, उन पशुओं को डॉक्टरों की कम जरूरत पड़ती है। एक्चुअली में हम मोटे तौर पर बात करें तो मिनरल मिक्सचर के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, सेलेनियम, विटामिन एच बायोटिन के नाम से, सल्फर, सोडियम, पोटाश, फास्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, ये सब तरह के खनिज इसके अंदर मिले हुए होते हैं दोस्तों। कैल्शियम अच्छी मात्रा में भी मिनरल मिक्सचर के अंदर होता है। कैल्शियम का रेशियो 2:1 के हिसाब से कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो जिस मिनरल मिक्सचर के अंदर होता है उस पशु को एक्स्ट्रा में कैल्शियम देने की जरूरत नहीं पड़ती जिसको हम ये मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी हम नहीं कर सकते, पर थोड़ी सी बात में आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। ड्यूरिंग द लंपी आप मिनरल मिक्सचर को जरूर यूज करें दोस्तों, पशु की सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय गो माता दी, जय हिंद दोस्तों।